में जो कृषि में जो समस्याएं आई थी निजीकरण की, उस पर हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चलाया था। आज जो सरकार के द्वारा निजीकरण किया जा रहा है कृषि के क्षेत्र में, वो सभी के लिए नुकसानदायक है। उसी पर हम लोगों ने सरकार से बात किया था कि जो निजीकरण कृषि में किया जा रहा है वो इस तरह से खराब है कि अगर आज कोई, आप आज देख लीजिए, हम लोग सभी समाज में आज अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आ रहा है कि किस तरह से मिलावट कृषि के उत्पादों में होती जा रही है, उसके दिन बहुत सारी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसका अगर सही तरीके से अगर हमने अगर कृषि को सही तरीके से उसकी शिक्षा को कृषि पर ध्यान नहीं दिया तो ये आने वाले टाइम में समाज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। उसका उदाहरण मैं आपको ऐसे देना चाहता हूँ कि आज पंजाब के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, और उन लोगों ने क्या किया है, अपनी ज़मीन में खाद, उर्वरक और कीटनाशक का बेहतासा उपयोग किया। उसके कारण आज वहाँ क्या हो रहा है कि कैंसर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर वहाँ से पंजाब से ट्रेन चलती है जिसको पंजाब मेल कहते हैं, लेकिन उसका नाम बदल कर कैंसर मेल कर दिया गया है, उसका वहाँ से सारे लोग मुंबई जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं। तो ये सब कारण हो रहा है कि कृषि में उस तरह से कोई भी लोग ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हम लोग बात करते हैं कि स्वास्थ्य नीति में सरकार बड़ा फोकस करती है, लेकिन कृषि शिक्षा और उसकी नीतियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि आज आप बात करें, हम लोग पूरी दुनिया में बात करते हैं कि हमारा मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छा है। विचार करने की बात है कि वहाँ पर एम्स जैसे इंस्टीट्यूट है, MIC जैसे इंस्टीट्यूट है। अगर हम बात करें प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी की, तो भी हम लोग बहुत आगे हैं। उसका कारण है कि हमारे यहाँ IIT जैसे और NIT जैसे इंस्टीट्यूट है। उसके बाद अगर आज हम बात करें कि हमारे यहाँ पर IIM जैसे इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत अच्छी संस्था है, जिसका पूरी दुनिया में सलाम करते हैं, लेकिन आज अगर हम नेताओं या किसी अधिकारियों से बात करें कि कृषि के क्षेत्र में आपने कहा कितने IIMs और कितने NIT दिए, तो बता नहीं पाएंगे। उसके कारण आज कृषि की जो दुर्गति हो रही है उसी का कारण है कि आज हम लोगों को ये बात रखना पड़ेगी कि कृषि को एक अच्छा उन्नति की ओर लेके जाए, और कृषि शिक्षा पर भी ध्यान हमको देना पड़ेगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस पर जो कृषि में जो आज प्रॉब्लम्स आ रही है, किसान की अगर आर्थिक स्थिति देखें तो वह दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उसका कारण क्या है कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2004 में, उन्होंने कहा था कि जो कृषि का जो मूल्य है उसका 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए, लेकिन आज उस बात को 15 साल हो गए। ये जो सिफारिशें हैं जो हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर स्वामीनाथन, उन लोगों ने सिफारिश किया था कि जो किसान की कॉस्ट टू लागत मूल्य है उसको उसका 1.5 गुना देना चाहिए। लेकिन अगर आज 15 वर्ष बाद भी वो किसी भी सरकार, चाहे कोई सी भी सरकार आई हो, उसने किसान के हित में एक भी बात नहीं की, सिर्फ बात करते लेकिन अमल में नहीं लाया। आज उसका कारण, आज 15 साल बाद आज अगर वो सिफारिशें लागू होती तो भी आप देखोगे कि आज कृषि में खाद, बीज, उर्वरकों के दाम जो है 10 गुना बढ़ गए। तो किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन इसीलिए बिगड़ती जा रही है। तो हम लोगों को राष्ट्रीय प्रबुद्ध भारत संघ के लोगों से, मेरा पदाधिकारियों से निवेदन है कि इस कृषि पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे तन और वैसा रहे मन। तो अगर हम लोग आज किसानों का सपोर्ट करेंगे तो ही लोग हम लोगों की ये जो आज बीमारियां हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं वो कम हो सकती है। लेकिन हम लोगों को इसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आंदोलनों से ये समस्याओं का समाधान होगा, उसके लिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि जैसे आज हम इंदौर के आसपास के लोग, एक कॉलोनी है तो जो हमारे पास के किसान हैं उस गाँव को हम लोग एडॉप्ट कर लें, और वहाँ से क्यों ना हम लोग उनको वो पेमेंट वहाँ पर जाके वहीं से सारी चीज़ें खरीदें और ऑर्गेनिक की ओर जाके जरा ध्यान दें। अगर आज हम यहाँ पर किसी सब्जी के 20 रुपये दे रहे हैं तो वही हमको गांव में जाके 15 रुपये में मिल सकती है, लेकिन वो एक किसान को एडॉप्ट करने से नहीं होगा, एक कॉलोनी पूरी के पूरे आसपास के। इसी तरह से हम जन आंदोलन ला के इंदौर में जो हम लोग आज केमिकल, आप पास में कंपेयर में चले जाइए, जिस हिसाब से वहाँ सब्जियों में इस साइड स्प्रे होता है, इस साइड शाम को सब्जियाँ ताजी आ जाती हैं, जिसमें पूरी तरीके से जहर में घुल चुका है। अगर ये समाज को आज अगर हम लोगों ने इसको नहीं रोका तो आने वाला समाज हमारा बीमारियों से ग्रसित पैदा होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी हमको माफ़ नहीं कर पाएगी। तो हम लोगों को एक जरूरी है सभी समाज के लोगों को कि हम लोग आज सभी चीज़ों बात कर रहे हैं लेकिन कृषि पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जबकि आज कहा जाता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, मतलब हम लोगों को आज स्वास्थ्य से पहले हमारी जो जड़ है
आज आप हर घर में देख रहे ब्लड प्रेशर की बीमारियां, शुगर की बीमारियां, आप दूध में देख लीजिए। किसान क्या कर रहा है, ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में, ज्यादा प्रोडक्शन लेने के चक्कर में ऐसे हार्मोन्स गाय या भैंसों को लगा रहा है, जिसके कारण वो इंजेक्शन लगाकर वो उत्पादन ज्यादा दे रहे हैं, दूध ज्यादा दे, उसके कारण क्या, और हमको ब्लड प्रेशर की बीमारियां, ये सारी बीमारियां आ रही है। लेकिन इस पर किसी भी सरकार का बात सभी करते हैं, आज भारत आजाद हुआ इसके बाद किसानों के ऊपर सबने बात किया लेकिन अमल नहीं किया, और हम लोग भी बातें करते हैं लेकिन कोई भी उसका वो समाधान नहीं निकाल पा रहे। सिर्फ आंदोलन खड़े करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोगों को जैसे आज इंदौर नंबर वन है सफाई में, उसी तरह से हमको भी अपने ऑर्गेनिक में नंबर वन आने के लिए हमको किसानों को जाके समझना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा और एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी हम मिलजुल कर इस समस्या से दूर हो सकता है। नहीं तो आने वाले 2040 की रिपोर्ट है कि 90% लोग कैंसर से ग्रसित होंगे। और यस, हम लोग सारे अधिकार ले सकते हैं सारी चीज, लेकिन खाने का, जमीन कम है भारत के पास, जमीन उतनी है, परिवार बढ़ते जा रहे तो किसानों के पास भी जमीनें कम हो रहे हैं। अब उसको उत्पादन तो बढ़ाना है तो वो क्या करेगा कि खाद और कीटनाशक दवाइयों का बेहतरसा उपयोग करेगा, जो कि आने वाले टाइम में हमारे ऊपर ही उसका उपयोग होगा और हम लोग अपनी सारी चीज़ें। तो मेरा सभी से ये है कि इस चीज़ को समझे कृषि को, और इसमें तो सरकार से यही भारत राष्ट्रप्रभु भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जो कृषि का जो विषय है उसको आप 10th के बाद लागू होता है, जबकि इसको हमारी कक्षा 5वीं से शुरुआत करवाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आज जितने भी IAS अधिकारी बनते हैं, हम लोगों ने भी मंत्रियों से मिले अभी आंदोलन में, तो पता चलता है कि वो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट पे कृषि की सारी नीतियाँ बना देती है। उस जो IAS बनता है बैकग्राउंड को कृषि का बनता ही नहीं है, तो ना तो उसको अगर बोलो कि सोयाबीन का पौधा क्या है, गेहूं का पौधा तो बता नहीं पाता। तो जो योजनाएं धरातल पे वो ऐसे लोग जाके बैठे, अगर 5वीं से बच्चे कृषि के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह से संविधान को पढ़ना चाहिए उसी तरह कृषि शिक्षा को भी 5वीं से लागू करवाना चाहिए, ताकि क्या कि हर बच्चा कृषि के महत्व को समझ पाए। अगर वो कृषि के महत्व को समझेगा तो एक आगे जाके उसको भी कृषि के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि कृषि आज के टाइम में बहुत एडवांस हो गई। आप इजराइल में कंपैरिजन करें और भारत में कंपैरिजन करें तो हम 1000 साल पीछे हैं, सर ने बोला, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ पे देखो दुनिया का सबसे कम पानी गिरता है और हमारे यहाँ उससे भी ज़्यादा पानी गिरता है, लेकिन हमारा मैनेजमेंट ही इतना पुअर है कि हम लोग ना तो पानी को संभाल पा रहे हैं। इंदौर की रिपोर्ट आ रही है कि हम भी रेड जोन में आ गए, क्योंकि हम लोगों को सारी चीज़ों पर अवेयरनेस नहीं। तो हम लोगों को कृषि शिक्षा और इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाए। और सभी से उम्मीद करता हूँ कि कृषि को भी एक मेन उसको मुद्दा बनाकर सब लोग साथ खड़े हों, ताकि इस देश में आम जन की जो समस्या है, क्योंकि आप खाना कहीं से भी नहीं बना पाओ, बिल्डिंगें बना पाओगे, सब कुछ बना पाओगे, लेकिन खाना तो आपको वहीं से आएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को, हम लोगों को मिलकर इसमें सारे समाज, मतलब एक गरीब तबके से लेके अगर आप हाई क्लास में भी देखे, कितने ही बड़ा मिनर खाना खाएगा, और आज कैंसर की बीमारियों से वो बड़े लोग भी जूझ रहे हैं, क्योंकि खाना आज कितने यहाँ पे सारा झूठ फैलाया जा रहा है, ऑर्गेनिक के नाम पे पूरे फर्जी चल रहा है, अभी कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। तो उन चीज ऑर्गेनिक खेती क्या थी, जो हमारे दादा परदादा गाय भैंस का गौमूत्र जो डालते थे वही ऑर्गेनिक था। आज तो सिर्फ सर्टिफिकेट लेके हमको सब्जियां बेच दी गई ऑर्गेनिक है, लेकिन वो ऑर्गेनिक है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मिलावट का बहुत दौर है, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार इतना कि पैसे के दम पे वो सारे ऑर्गेनिक हो जाते हैं। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें और कृषि को एक समृद्ध बनाएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी कि किसान को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि किसान को आज जो भी लोग समझते हैं बोलते हैं ये तो हर जगह मांगता है, ये तो आंदोलन करता है, उसकी समस्याएं समझो। आज पानी इतना गिर रहा है तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी, उसको कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन का पैसे ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको तो उत्पादन, वो सोचता है कि मैं ज़्यादा उत्पादन लूँ, कम मेरा रेट मिला, उत्पादन ज़्यादा होगा तो मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो आज हम लोगों को, सभी समाज के लोगों को आज यहाँ आए हैं, तो हमारा एक ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको आंदोलन के रूप में चलाएं, ऐसा नहीं कि हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, हमारे लिए जन आंदोलन बने। जन आंदोलन बनेगा, आसपास के लोग, अगर हम आसपास के 5 किलोमीटर जाकर किसानों से अगर सब्जियां खरीद लाएंगे, जितना टाइम वेस्ट हम यहाँ करते हैं, अगर उतने दिन में सैटरडे या संडे एक दिन ही बांधें और वहाँ से डायरेक्ट सब्जियां लाएं और किसान को उसका सही मूल्य मिलेगा, तो वो भी अपनी ईमानदारी से हम लोगों को एक ऑर्गेनिक का ही हमको खाने देगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग सब दूर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वही बीमारी और अस्पतालों में पैसा बिगाड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं, ऐसे समाज का कोई आवश्यकता नहीं है जिसमें बीमारियों से ग्रसित समाज हो। अगर स्वस्थ समाज होगा तो स्वस्थता से हम लोग आज देश में या आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि इसको जन आंदोलन बनाएं और कृषि का और कृषि किसानों की
रिस्पेक्ट करें ताकि वो भी एक उसकी समस्याओं को समझे, क्योंकि अभी तक किसानों की समस्याओं को समझने का सिर्फ सरकार के पास आंदोलन होते उसी से समझ नहीं सकते। तो किसानों की समस्याओं को समझे, आम जन भी समझे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे दादा परदादा सब गांव से जुड़े हुए हैं। आज हम सब लोग आ रहे हैं लेकिन ये हमारा पूरा गांव का ही माहौल, तो हम लोगों को उसका इज्जत देना चाहिए, किसानों की समस्याओं को समझे। और मैं इस राष्ट्र कपूर समाज से उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब मिलकर एक किसान समाज को भी एक अच्छा आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.